देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागू होने के बाद जहां देश भर में धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है, इसी कड़ी में अब खरगोन जिले के बड़वार नगर में भी मौलाना आजाद मार्ग में संविधान बचाओ मंच के द्वारा दिल्ली शाहीन बाग की तरह धरना प्रदर्शन शुरू किया है, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं। वहीं पुरुष भी इस प्रदर्शन में शामिल है। प्रदर्शनकारियों में CAA और NRC का काला कानून बताते हुए कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम धरने पर बैठे रहेंगे। वहीं समाज की महिलाओं का कहना है कि संविधान में समानता का अधिकार के अंतर्गत समुदाय विशेष को दरकिनार किया जा रहा है। सरकार के फैसले को काला कानून बताकर वापस लेने की मांग की है। हम आपको बता दें कि कानून के विरोध में बुधवार शाम को मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुषों ने धरने पर बैठकर प्रदर्शन किया। बड़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। बाहर किया जाएगा, आप होते कौन है बाहर करने वाले भाई? आपकी मदद आपको अथॉरिटी किसने दी है कि आप हमें बाहर करो? इस्लाम वाले भी वो ये कहते हैं कि NRC का मतलब जो है ना, एक साफ भाषा में कहा जाए कि किसी दूसरे को, किसी दूसरे मुल्क के या किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोद में लेना और अपने बच्चे को गोद में रख करके पूछना बता कि तेरा बाप कौन है। अगर वो कहे कि मैं तू ही मेरा बाप है तो फिर उसका बाप कहे कि बता फिर तेरे बाप सर्टिफिकेट क्या है? यार ये तो अहमती है, ये तो बेवकूफी है। अपने ही बच्चे को गोद में लेकर के कहो कि तू मेरा बच्चा है, बोले हाँ मैं आपका बच्चा हूँ, बोले तू तेरा बता दे तेरा जो है सब कुछ कागजात वगैरह सर्टिफिकेट देखा कि तू मेरा बच्चा। तो ये बेवकूफी है। ये जो NRC है और CAA है, हम इस चीज के साथ मुखालफत करते हैं कि दूसरे ममालिक से CAA का मतलब दूसरे मुल्कों से आने वाले तमाम ही हिंदू भाइयों को यहाँ नागरिकता दी जाए। तो इसमें मुसलमान को ही आपने अलग क्यों कर दिया भाई? हम इसके खिलाफ है, क्योंकि ये जो है संविधान के खिलाफ कानून है। संविधान में और हम भारत के संविधान के अल्हम्दुलिल्लाह दिल खोलकर जो है उसके हम मुआफ़त करते हैं, भारत के संविधान का हम अदब करते हैं। इस कानून के लागू हो जाने से अगर पूरे भारत में यह कानून लागू हो गया और जैसा जैसा हुकूमत वक्त के लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी करना है, NRC होगा उसके बाद जो NRC की सदन में आएगा उसको मुल्क हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। याद रखो हम जहां पैदा हुए वो हमारा वतन है, हम उससे मोहब्बत भी करते हैं। रहने वाले निवासी को चाहे वो इस्लाम वाला हो या हमारा कोई हिंदू भाई हो या कोई भी जाति से ताल्लुक रखने वाला हो, हिंदुस्तान में रहने वाला उसको पूरा पूरा अधिकार है आजादी के साथ जिंदगी गुजारना। ये भारत का संविधान है, ये हमारे हिंदुस्तान का संविधान है। आज हमारा और आपका मकसद यहाँ जमा होने का यही है। इस मंच का जो यहाँ लिखा है, ये धरना जो दिया जा रहा है, वो मकसद ये है कि आज हुकूमत वक्त ने एक बात तो याद रखे आप, यहाँ ये इकट्ठा होना किसी पार्टी के संबोधित नहीं है। कोई आदमी ये ना समझे कि किसी पार्टी की मुखालफत में नहीं, कोई पार्टी का इसमें लेना देना नहीं है। हमारा आपका मकसद यहाँ जमा होना। आज हुकूमत वक्त ने जो कानून लागू किया है सब लोग इस चीज से वाकिफ है, किसी से छुपा नहीं है। वो जगह जगह धरने हैं, दिल्ली में शाहीन बाग में, हमारे इंदौर में बड़वानी चौकी में, आज इस्लामी बहने इस्लामी भाई यानी इस्लाम वाले भी और हमारे बहुत सारे हिंदू भाई भी और भी बहुत सारे लोग कई सारी जातों से संबोधित लोग वहां पर जमा है। यह मकसद सारे लोगों का जमा होना यह है कि ये जो हुकूमत वक्त ने कानून लागू किया है NRC CAA, ये इस कानून की हम जो है सख्त मुखालफत करते हैं। क्यों? इस कानून से, ये जो कानून है ना, इस कानून से मुल्क हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान भी है, यहाँ की आवाम का भी नुकसान है। यहाँ में रहने वाले चाहे वो इस्लाम वाले हो, मुस्लिम भाई हो या गैर मुस्लिम हो, सारे लोगों का इस कानून से जो है सख्त इतराज और सख्त नुकसान है। आज हमारा आपका जमा होना, हम बिल्कुल दिल खोल कर इस काले कानून की सख्त मुखालफत करते हैं। NRC को हम रिजेक्ट करते हैं, CAA के हम जो है मुखालफत करते हैं, क्योंकि इस कानून से मुसलमानों का ही नुकसान नहीं है बल्कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे लोगों का नुकसान है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो या दूसरी किसी जाति से संबंधित लोग हो, सबका इससे नुकसान है। तो हमारा आपका यहाँ मकसद कोई पार्टी को लेकर के नहीं है, बल्कि ये जो संविधान में मुदाखलत की जा रही है, जो संविधान भारत का बना हुआ है उसमें जो ये मुदाखलत की जा रही है, नया कानून लाया जा रहा है, यार नए कानून से क्या लेना देना है? अभी भारत में यूं ही रोजगार की कमी है,
बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ना तो रोजगार खत्म हुआ, ना पढ़े लिखे बच्चों को नौकरी मिली, ना और भी बहुत सारे काम है। आज किसान को देखो तो किसान अपने जो है किसानी के ताल्लुक से परेशान है, उसको रोजगार में कमी है। व्यापारियों से पूछो और बिजनेसमैनों से पूछो, जिसके पास भी आप जाओ बिजनेसमैन से पूछो, वो बोलता मेरे बिजनेस में घाटा है, मेरे व्यापार में घाटा है। तो इस चीज को हमें पहला बढ़ावा देना है। ये क्या कानून लागू कर दिया कि मतलब जो है इस एनआरसी और सीए का मैं देर बाद में जवाब दे दूं आपको। सीए और एनआरसी को लेकर के जो है ये हमारा विरोध प्रदर्शन है, इसके तहत ही हमने जो है पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का, मैं जिला अध्यक्ष तस्लीम खान हूँ, मैंने अपने साथियों के साथ करीब 500 साथियों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के ऊपर मुख्यालय के ऊपर हमने इस्तीफा दिया है जी। और जो है इस एनआरसी और सीए के खिलाफ जो है हम पूरे प्रदेश भर में जो है आंदोलन कर रहे हैं, जहां जहां भी आंदोलन हो रहे हैं, जहां जहां भी मुझे बुलाया जा रहा है मैं वहां जा रहा हूं। और ये सीए और एनआरसी के खिलाफ जो है देश के गरीब और मुसलमानों को मैं समझा रहा हूं कि वास्तव में जो है ये सीए और एनआरसी ये जो है देश को तोड़ने वाला कानून है, ये देश को जो है बर्बाद करने वाला कानून है, ये देश को जो है दो भागों में बांटने वाला कानून है। ये वास्तव में जो है हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है, ये जो है देश के संविधान का मुद्दा है, देश के तिरंगे का मुद्दा है। और इसको जो है हम कभी जो है खंडित होने नहीं देंगे, हम देश को कभी टूटने नहीं देंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। बताया आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है संविधान बचाओ मंच के बैनर तले। आज जो है हम लोगों ने काला कानून सीएए और एनआरसी के खिलाफ यहाँ धरना प्रदर्शन दिया है, जिसमें सभी समाज धर्म समुदाय के लोग यहाँ सम्मिलित हुए हैं, बड़ी तादाद में महिलाएं भी जो है प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस काले कानून को जो कि धार्मिक आधार पर हमें बांट रहा है इसे वापस ले, और जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेती है जब तक हम जो है ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।